मुझे वो वक्त भी याद है जब इन्होंने उज्जैन के अंदर कुंभ में भ्रष्टाचार करा था, और जब कुंभ में भ्रष्टाचार करा था तब भी ये सरकार चली गई। अब दोबारा महाकाल कॉरिडोर की कल घटना अफसोसनाक है, जिस तरह वहाँ पर मूर्तियाँ गिरी हैं, जिस तरह से वहाँ पर बिल्कुल एक जो मंज़र देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक धार्मिक स्थल पर ऐसा मंज़र कल ऐसा देखने को मिला। तो जो लोगों ने भी भ्रष्टाचार करा है, अगर वास्तव में सरकार में नैतिकता है तो शिवराज सिंह जी को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें कि इतनी गुणवत्ता कैसे कम रही। कॉरिडोर में करोड़ों अरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है, जो करोड़ों रुपए का पैसा लगा था बावजूद उसके ऐसा किसने भ्रष्टाचार करा कि एक साल भी वो काम ना चल सका और मूर्तियां खंडित हो गई, जिसकी मैं निंदा करता हूं और चाहता हूं कि हर हाल में कार्रवाई करें। हालांकि मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह जी वो कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि उनके खुद के लोग उसमें संलिप्त हैं, क्योंकि पुराना हमारा अनुभव है कि जब वहाँ पर पिछली बार हमने अपराध आरोप लगाए थे तब भी इल्ज़ाम लगा था तो इन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी, और अभी भी महाकाल कॉरिडोर पे मुझे लगता है इस भ्रष्टाचार को ये उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि उजागर करेंगे तो ये खुद फंस जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो मालिक करेगा, पहले भी मालिक ने इनको सजा दी थी और अभी भी जिस तरह करा उसकी वजह से इनकी सरकार बन नहीं पाई।